अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल वहाबु, सबको अता करने वाला। अल वहाबु ये सिफत है अल्लाह तबारक व ताला की, सबको अता करता है। सबका मतलब सारी मखलूकात, वो मखलूकात जो ज़मीन के ऊपर रहती है उनको भी मेरा रब अता करता है, जो मखलूक ज़मीन के नीचे रहती है मेरा रब उनको भी अता करता है, जो मखलूक पानी के अंदर रहती है मेरा रब उनको भी अता करता है, जो मखलूक हवा के अंदर ज़िंदगी गुजारती है मेरा रब उनको भी अता करता है। अल वहाबु इस इस्म की सिफत ये है, इस इस्म का विर्द करने वाला इंसान, फ़क्र फाके के अंदर ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान इस इस्म का विर्द करेगा कसरत से। अल वहाबु पढ़ेगा उसका फ़क्र फाका बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा। और मामूलात में ये भी है, अगर इंसान चाश्त की नमाज में, चाश्त की नमाज नफिल नमाज होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, चाश्त की नमाज पढ़े, चाश्त की नमाज के आखिरी सजदे में 40 मरतबा या वहाबु का विर्द करे और उसके बाद नमाज को मुकम्मल कर ले, नमाज मुकम्मल करने के बाद में अल्लाह ताला से हाथ उठा करके मांगे, इंसान की हाजत बहुत ही जल्द कबूल होती है। इंसान की ज़रूरत, इंसान की मांगी हुई दुआ बहुत ही जल्द कबूल होती है। और आपकी अपनी कोई राय हो, कोई मसला हो, कमेंट में लिख करके बता दें, इंशाल्लाह माकूल जवाब देने की कोशिश करूँगा।